आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वहां लिए जाते हैं। मेडिकल का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, इन सब की ट्रेनिंग करने की तैयारी और कुछ ट्रेन किए गए, कुछ की ट्रेनिंग की कार्रवाई हमारी अंतिम उसमें चल रही है। प्रदेश में अभी तक हमारे 3 स्थानों पर इसके नमूने लेने की व्यवस्था थी, लखनऊ में KGMU और SCPCI और अलीगढ़ में भी ये व्यवस्था भारत सरकार ने की थी। हम लोगों ने इस बारे में कहा कि NIB पुणे का एकमात्र सेंटर उत्तर प्रदेश में है, वह है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। ऑलरेडी वहां पर इस प्रकार के वायरस की पहचान करने की क्षमता उस लैबोरेटरी में विकसित, उनके पास आधारभूत सुविधाएं वहां मौजूद हैं, तो वहां पर भी और साथ साथ अन्य स्थानों पर भी हम इस BHU में भी इसकी सुविधा को उपलब्ध कराने की तैयारी करें और ये 5 लेबोरेटरी प्रदेश के अंदर तैयार करने के बारे में स्पष्ट किया गया है। और भी अन्य मेडिकल कॉलेजेस में हम इस सुविधा को विकसित कर सकें, जहां पर सैंपल लेकर के और फिर उसके कलेक्शन के बाद वायरस की पहचान करने और फिर इससे संबंधित उपचार की सुविधा हम दे सकें, इसके बारे में भी कार्रवाई करने के बारे में विस्तृत कार्य योजना आज यहां पर तैयार हुई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन सब के सहयोग से हमने इस फ्लूस को पूरी तरह प्रभावहीन करने की दिशा में कदम उठाने के लिए जो अलर्ट 1.5 माह पूर्व जारी किया था, आज उसके बारे में हमने उसकी व्यापक समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 11 कोरोना फ्लू से संबंधित पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिनमें 10 का उपचार दिल्ली में चल रहा है और 1 का KGMU में यहां पर उपचार चल रहा है। इनमें से 7 आगरा के, 2 गाजियाबाद के, 1 नोएडा का और 1 लखनऊ का है। ये जो 11 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, इनके उपचार की व्यवस्था 10 की सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में उपचार की व्यवस्था चल रही है और 1 को KGMU में ही उसके उपचार की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने, सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले शासन ने इस बारे में हमेशा हमारा मानना रहा है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, तो स्वाभाविक रूप से सतर्कता और सावधानी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और जो पुरानी कहावत है कि बचाव से महत्वपूर्ण, यानी उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, तो बचाव पर ध्यान देते हुए अवेयरनेस के कार्यक्रम हमने, शासन ने इस बारे में सभी विभागों को कहा है, बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी विद्यालयों में कोरोना फ्लू से बचाव करने के लिए हैंडबिल, पोस्टर और वहां पर इससे संबंधित सावधानी और बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में इस अवेयरनेस के कार्यक्रम को अपने हाथों में ले रहा है। पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास खंड मुख्यालय पर इससे संबंधित पोस्टर और अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों में, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हमारे जो सेंटर हैं, वहां पर भी इससे जुड़े हुए अवेयरनेस से संबंधित पोस्टर और होर्डिंग लगाने की कार्रवाई के लिए आज आदेश दिए गए हैं और इसके बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के बारे में वहां पर कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से भी हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर
और जिला चिकित्सालय के स्तर पर व्यापक पैमाने पर एक अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के बारे में एक बृहद अभियान अपने स्तर पर चला भी रहा है, क्योंकि 1 मार्च से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभ हुए हैं और इस कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ते हुए वहां पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, FM रेडियो की सहायता से, टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सभी प्रचार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं और इस कार्यक्रम को लेंगे। ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम होंगे, जिसमें भी फिजिशियन हैं, जो आइसोलेशन वार्ड से जुड़े हुए जिनकी सेवाएं लेनी है, वे सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, उसमें फिजिशियन होंगे, पीडियाट्रिशियन होंगे, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, उसमें अन्य जो भी चिकित्सा के जो भी चिकित्सक होंगे, उन सब के साथ साथ पैरामेडिकल के स्टाफ, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इन सबको भी इसके बारे में जहां अवेयरनेस पैदा करने और इनकी ट्रेनिंग के एक विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर जनपद में विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि हम लोग इस बारे में बताएं कि ये बीमारी पैनिक ना हो। हमने प्रदेश के अंदर इस बीमारी को एपिडेमिक एक्ट के अंतर कुछ पावर डेलीगेट किए हैं, एपिडेमिक घोषित नहीं किया है, लेकिन एपिडेमिक एक्ट के अंदर कुछ पावर डेलीगेट किए हैं, जिससे हम लोग हर एक व्यक्ति को उपचार की व्यवस्था, आवश्यकता पड़ने पर उसे आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश भर में क्या तैयारियां हैं?